ब्रह्मा गुरुवर विष्णु गुरुवर देवो महेश्वरा गुरुवर साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मा मुरारी त्रिप्रांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संसिदा नमस्तस्ते 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 नमो नमः। तो आज की जो हमारी क्लास है, जैसा मैंने पहले कहा, मैं एक बार फिर चेक कर लेता हूँ, रिकॉर्डिंग ऑन है। ये मैं फिर अपने गुरुओं को और अपने जो समकालीन एस्ट्रोलॉजर है, क्योंकि मैं अपने आप को अब एस्ट्रोलॉजर की कैटेगरी में रखना शुरू करता हूँ आज की क्लास से। वैसे तो मैं इंडिविजुअल चार्ट भी देख रहा हूँ, वही तो, कितना अच्छा गाना गाया मिनी ने। तो उस चीज को देखते हुए मैं आज आपके सामने ये कह रहा हूं कि मेरी 6 क्लासों में मैं, क्योंकि मैंने पढ़ा भी है और गुरुओं के आशीर्वाद से उससे एडवांस भी सीखा है, मेरी भृगु नंदी नाड़ी में कभी क्लासिफिकेशन ये नहीं रहेगा कि ये बेसिक कोर्स है या एडवांस कोर्स है। मेरा एक ही कोर्स है और जो लोग 2 हिस्सों में देते हैं, मैं एक ही हिस्से में देने वाला हूँ। आपको ये भी मैं बता दूं कि मैंने ये कोर्स 11,000 रुपये में किया है और अगला जो बैच 21,000 रुपये में, चाहे कोई स्टूडेंट आए या ना आए, मैंने फेसबुक पे अपने यूट्यूब चैनल पे 18,000 रुपये उसकी कॉस्ट लगा के डाला हुआ है। और जो 2 इंस्टॉलमेंट में देंगे वो 10-10 हज़ार रुपये की देंगे और 2 महीने का कोर्स में प्लानिंग करूँ। तो उसके साथ मैं आपको इसलिए बता रहा था कि आप मेरे कंटेंट और दूसरे टीचरों के कंटेंट जरूर देखिएगा। आइए, बातें तो बहुत हो गई हैं, अब प्रैक्टिकल चीज पे चलते हैं। आज का मुद्दा है कि जो मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है उसको चार्ट पे लगाना है, बट उस चार्ट पे लगाने के लिए 3 चीजें इसमें एडिशनल आज मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं। जैसा कि टॉपिक लिखा है, अभी तक मैंने डिग्री का इंफेसिस डायरेक्टली चार्ट पे आपको नहीं बताया था। अब जो भी हम प्लेनेट लेंगे प्रिडिक्शन करने के लिए, उसकी डिग्री भी देखेंगे और किस राशि में वो बैठा है वो भी देखेंगे, और उस प्लेनेट का डिस्पोजिटर कौन है वो भी देखेंगे, और डिस्पोजिटर का सिग्निफिकेंस क्या है वो भी आपको एक एग्जाम्पल से समझाऊंगा। और एक्सचेंज ऑफ प्लेनेट्स का भृगु नंदी नाड़ी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इसलिए जो मैं लिखा स्लाइड में एक्सचेंज ऑफ प्लेनेट्स लास्ट में है, लेकिन आपको आज मैं सबसे पहले एक्सचेंज ऑफ प्लेनेट ही बताने जा रहा हूं। आप इस चार्ट को अपनी कॉपी में ड्रॉ कर लीजिए, क्योंकि मेरी स्पीड आज आपको सिखाने के हिसाब से स्लो रहेगी। आप लोग सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने कॉपी में अगर दिख रहा है तो इसको स्क्रीन पे नजर रखिए, अगर आप नहीं देख पा रहे हैं तो अपनी कॉपी में ड्रॉ कर लीजिए। हम भृगु नंदी नाड़ी में भाव नहीं लेते हैं। अगर ये पहला भाव वैदिक में बोलते हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, ग्यारहवां, बारहवां, भृगु नंदी नाड़ी में, कुछ और नाड़ी में हम लगन भाव सब लेते हैं, लेकिन भृगु नंदी नाड़ी में ये नहीं लेते। अगर मुझे अभी किसी को बोलना हो, मैं बोलूंगा मेरा बुध 17 डिग्री पर तुला राशि में बैठा हुआ है। ऐसे ही मैं बोलूंगा मंगल 21.5 डिग्री पे, 21 डिग्री 55 मिनट पे तुला राशि में बैठा हुआ है। हम इसमें सिर्फ भाव ये क्या कहते हैं, डिग्री और राशि ही लेंगे। अगर मैं बोलूंगा कि सूर्य 3 डिग्री के ऊपर वृश्चिक राशि में बैठा हुआ है, साथ में उसके शुक्र है जो 7 डिग्री पे बैठा हुआ है, राहु भी वृश्चिक राशि में 16 डिग्री पे बैठा हुआ है, चंद्रमा 12 डिग्री पर मकर राशि में बैठा हुआ है, गुरु 14 डिग्री पे कुंभ राशि में बैठा हुआ है, केतु तुला राशि, इसमें क्या कहते हैं, ये नाम भी भूल रहा हूँ, वृषभ, राशि वृषभ राशि में केतु पर 16 डिग्री पे बैठा हुआ है, शनि मिथुन में
बैठा हुआ है, बस ऐसे ही हमने बोला। अब सबसे पहले मैंने जो टॉपिक लिखा है उसके ऊपर आते हैं, एक्सचेंज बिटवीन मार्स एंड वीनस। मार्स तुला राशि में बैठा हुआ है और जो शुक्र है वो वृश्चिक राशि में बैठा हुआ है, यानी दोनों एक दूसरे के भाव में, एक दूसरे की राशि में बैठे हुए हैं, तो इन दोनों में एक्सचेंज दिखता है। अब यहां पर एक चीज और मैं मेंशन कर दूं, इस पे पहले इसी पे आऊंगा कि एक्सचेंज पे, यहां पर अगर हम 159 देखते हैं, हमेशा युति जब भी हमें कुछ देखनी है तो 159 का ही कंसेप्ट लेते हैं, तो देखिए कि गुरु जो है 14 डिग्री में है और बुध 17 डिग्री पे है, मंगल 21 डिग्री पे है और शनि, आप लोग सब अपने आप को म्यूट कर लीजिए अगर किसी का क्वेश्चन नहीं है तो, नहीं तो फिर मुझे करने में दिक्कत होगी। प्लीज आप लोग सब अपने आप को म्यूट कर लीजिए ताकि अगर किसी की डिस्टरबेंस आ रही है, अगर कोई अपने रूम में अकेला बैठा है उसको म्यूट करने की जरूरत नहीं। यहाँ पर 1, 5, 9 का मैं एंगल देख रहा हूं, तो 7, 11 और 3, ये तीनों युति का काम करेंगे। अब इनके अंदर दो प्लैनेट तुला में बैठे हैं, एक गुरु में बैठा है, एक शनि में बैठा है, टोटल 4 प्लैनेट है, 4 ग्रह हैं। अब इन चारों की समझ लीजिए युति है, और जब अभी तक जितना मैंने पढ़ाया है, जो दो आपस में बैठे हैं एक ही जगह बैठे हुए हैं, तो जैसे बुध और मंगल, इनकी 100% रिजल्ट देने की क्षमता है। अगर बुध उससे पंचम भाव में बैठा है और शनि बुध से नवम भाव में बैठा है, तो ये दोनों उसको 75% सपोर्ट करने की क्षमता रखते हैं। अब इस चीज में, क्योंकि ये युति में बोल रहा हूं, जिसको इंग्लिश में कंजंक्शन बोलते हैं, यानी आपस में बैठे हुए एक ही जगह, इनको हम ये मानेंगे क्योंकि ये वायु तत्व की राशि में बैठे हुए हैं, ये चारों मान लीजिए एक ही जगह बैठे, लेकिन मैंने आपको सिंप्लीफाई करने के लिए बोल दिया कि बुध को मंगल 100%, गुरु 75%, शनि भी 75% या परसेंट उसको सपोर्ट कर रहा है। तो यहां पर देखिए जो डिग्री सबसे कम है पहले वो लिखी, गुरु 14 डिग्री पर, बुध 17 डिग्री पे, मंगल 21 डिग्री पे, शनि 25 डिग्री, ये मैंने ऐसे लिख लिया। और ये ब्रैकेट में 159 इसलिए लिखा, ये ट्राइन बना रहे हैं एक्चुअली, 3, 7, 11, ये ट्राइन तो हमेशा 159 का ही कहलाएगा, जबकि राशियां यहाँ पे 3, 7, 11 है, बट ये ट्राइन 159 रहेगा। उसके नीचे जो ब्रैकेट में मैंने यहाँ लिखा है, मैंने यहाँ पर राशियां लिखी हैं, गुरु 11वीं राशि में है, कुंभ में, बुध तुला में, मंगल तुला में और शनि मिथुन। अब पहले जो मैंने अभी तक बताया, एक एक कारक पकड़ लेते, बुध विजडम का है, मंगल इंटेलिजेंस का, यानी एक तो हो गया ज्ञान का कारक हिंदी में, ये हो गया आपका बुद्धि का कारक, मंगल आप फिलहाल पराक्रम पकड़ लीजिए या एफर्ट पकड़ लीजिए, और शनि हो गया हैवी मशीनरी का। अब इन चारों को अगर हम देसी लैंग्वेज में बगैर राशि का इंपैक्ट डाले कहूं, तो मैं ये कह सकता हूं कि इस जातक ने, जब ये एजुकेट, सबसे पहले गुरु चलेगा, गुरु किसके पास आया, बुद्ध के पास, गुरु क्या लेके आया, ज्ञान, बुद्ध क्या दे रहा है, इंटेलिजेंस। अब बुद्ध और गुरु इकट्ठे हो गए, जबकि गुरु पीछे से आ रहा है, तो मैंने आपको क्या बताया था, जब पिछली क्लास में जुपिटर का या मरकरी का जब आपको युति बताई, उसमें बताया था जुपिटर प्लस मरकरी होता है तो वह क्लास का टॉपर बच्चा होता है, मैंने फर्स्ट 5 बोला था, लेकिन मेरे चार्ट में पिछले लेक्चर में करेंगे तो जिसकी में था वो लड़का चला गया कोर्स छोड़ के बीच में, और उसने कहा था कि वो क्लास का जितना भी पढ़ा वो फर्स्ट 3 में टॉपर ही रहा, कुछ क्लासों में तो टॉपर रहा, तो थर्ड से नीचे कभी नहीं गया वो जितनी भी एजुकेशन उसने। तो समझिए कि यहां तक आ गया ज्ञान और इंटेलिजेंस टॉपर। अब मरकरी जो मंगल है वो पराक्रम है, एफर्ट है,
अब ज्ञान भी होगी, बुद्धि भी होगी, और वो बंदा परिश्रम करने के लिए तैयार भी है, यानी एफर्ट करने के लिए तैयार है। अब शनि क्या है, उसकी पढ़ाई से अगर हम देखते हैं तो मैंने बोला हैवी मशीनरी की पढ़ाई है, जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग या सिविल इंजीनियरिंग को इंडिकेट करती है। तो मंगल भी वैसे इंजीनियरिंग को करता है, ओवरऑल इंजीनियरिंग को, लेकिन शनि जो स्पेसिफिकली जो करता है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग को और सिविल इंजीनियरिंग को करता है, उसमें भी पर्टिकुलरली मैकेनिकल को, क्योंकि मैकेनिकल इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जितनी भी मशीन है सब में काला ग्रीस लगता है, मशीन चलते चलते पुरानी हो जाती है। जो सिविल वाली होती है उनमें जंग नहीं लगता, उनमें सीमेंट लगी होती है। जो मैकेनिकल वाली होती है उनमें जंग, काला, उस टाइप की शनि की करेक्टरिस्टिक आती है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ शनि मैकेनिकल इंजीनियरिंग देता है। अब इसको पूरी को देखा तो मैंने कहा ये बंदे के पास ज्ञान था, इसकी बुद्धि थी, इसने मेहनत बहुत की और इसने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। ये लड़का जब 12वीं करके इंजीनियरिंग करने के लिए आया, इसके 60% भी बड़ी मुश्किल से थे 12वीं में। जब इंजीनियरिंग में इसने प्रोफेशनल डिग्री में इतनी मेहनत करी, अपनी ब्रांच का टॉपर होके निकला। समझिए, ये मैंने एक चीज बोली। अब आते ही इस पे मैं राशि का सिग्निफिकेंस देता हूं। जब तक ये स्कूल लेवल में था इसको सही गुरु नहीं मिला, 11 नंबर कर्म योगी फिलोसफर। अगर गुरु कर्म योगी बन के काम करेगा 11वीं के हिसाब से, सब कुछ छोड़ के सिर्फ मेहनत करेगा, तो वो उसको बहुत बड़ा कर्म योगी बनाएगा। बुद्ध इंटेलिजेंस है, अगर ये बंदा बैलेंस होके बगैर इधर उधर भटके, 7th नंबर राशि को हम बैलेंस लेते हैं। मैंने ये बोला है जिसका भी कोई तुला साइन में प्लेनेट हो उसका दुरुपयोग ना करे, वो बैलेंस होके चले, वो प्लेनेट उसको अच्छा रिजल्ट देगा। ऐसे ही क्योंकि ये तुला राशि का दोनों का हो गया, और बुध जो मिथुन राशि है वो कम्युनिकेशन की लिखने से रिलेटेड हम ज्यादा मानते, राइटर टाइप की। तो जितना ये बंदे ने नोट्स बनाए और जितना ये पढ़ता चला गया, ये इंटेलिजेंस होके निकला टॉपर ऑफ द मैकेनिकल ब्रांच। आउट ऑफ 140 स्टूडेंट ही बिकेम द टॉपर ऑफ द इंस्टीट्यूट, एंड फाइनली इन ए यूनिवर्सिटी वेयर देयर आर मोर देन आई थिंक 35 कॉलेजेस वर देयर इन ए मैकेनिकल डिपार्टमेंट, मैकेनिकल रिलेटेड ब्रांच, और वहां पे उनमें 35 कॉलेजों के बंदों के बीच में से एक बंदा निकल के निकला। इतना गुरु और बुद्धि देते हैं अगर बंदा एफर्ट करे। ये हो गया एक एस्पेक्ट। दूसरा, अब यहां पर जब मैं कह रहा हूं मंगल और शुक्र की युति है, जब ये मैंने यहां एरो भी बनाया है मंगल और शुक्र की युति है, सॉरी एक्सचेंज की, तो एक्सचेंज हो गए यहां पर, तो शुक्र पहला हो गया। शुक्र अब आ गया अपनी ही राशि में बट तुला में। अगर ये बैलेंस रहा, ना इसको पैसों की चिंता थी, ना इसको लग्जरी कंफर्ट, ना गर्लफ्रेंड की चिंता थी। मैकेनिकल में तो वैसे लड़कियां होती नहीं, लड़कों का दिमाग बहुत बटता है, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग में प्रोफेसर रहा मुझे मालूम है, लेकिन इसने उस चीज में ध्यान नहीं दिया। उतने ही लेवल की मेहनत करता रहा, उतनी ही बुद्धि लगाता रहा, उतने ही नोट्स बनाता रहा। क्या मिला इसको? लग्जरी, विजडम, इंटेलिजेंस, एजुकेशन, सब कुछ करके दोबारा फिर टॉपर। प्लैनेट ने ऑब्स्ट्रक्शन देने की बजाय बैलेंस रहा तो इसको और अच्छा रिजल्ट दे दिया। कैसे दे दिया? क्योंकि फाइनल 4 साल का डिग्री करते करते उसका ग्लैमर, पढ़ाई का ग्लैमर उभर के आ गया, उसकी बॉडी का ग्लैमर नहीं, उसकी पढ़ाई का ग्लैमर, क्योंकि गुरु और बुध आगे मिल रहे हैं। शुक्र किससे मिला? गुरु से। गुरु किससे मिला? बुध से। अब उसको इतना नेम फेम हम सन से देखते हैं, लेकिन उसने उस चीज के नाम करने के लिए शुक्र का भी रोल हो गया, क्योंकि उसने सब चीजों पर त्याग करके बैलेंस रहा। उसने ना मूवी की तरफ ज्यादा गया, ना खेल कूद की तरफ गया, सिर्फ एक एक ध्येय लगा के, जैसे शुक्राचार्य जी। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? शुक्राचार्य जी ने इतनी विद्या ली, इतनी मेहनत से पढ़ाई की कि गुरु से ज्यादा पढ़ाई की, और देवताओं को यह भी मालूम था पढ़ाई और नॉलेज के हिसाब से शुक्राचार्य मोर सुटेबल कैंडिडेट हैं देवताओं के गुरु बनने के लिए, लेकिन फिर भी भगवान ने गुरु जुपिटर